हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। भस्त्रिका का एक बहुत चमत्कारिक, एक असाधारण और सबसे सरलतम प्रयोगों में से लेकर के इस वीडियो के सामने उपस्थित हुआ हूँ। श्रद्धा भाव और विश्वास इसको आजमाना है। एक ऐसा जल बताऊंगा जो आसानी से मिल जाएगा, हर जगह उपलब्ध है। ये जल कैसा होता है गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यदि कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो हमारे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आप दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। एक ऐसा जल, जी हाँ, एक छोटा सा जड़ा पुलाना है एक वृक्ष का, और उसको ला करके अपने दाएं भुजा में, यदि स्त्री है तो बाएं भुजा में और पुरुष है तो, अगर यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने भुजा में और स्त्री हैं तो लेफ्ट बाएं भुजा में बांध करके जिसके भी सामने आ जाएंगे या जाएंगे उसका हो जाएगा तन मन धन से संपूर्ण वशी। बस आपको इसको बांधना है। जो प्रक्रिया में बता रहा उस प्रक्रिया से, जो दिन बता रहा उस दिन आपको करके देखिएगा, हो जाएगा चमत्कार। अगला का हो जाएगा संपूर्ण रूप से वशी। एक एक स्टेप को सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो आपको अंत तक देखना है। वशीकरण का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां इसकी आवश्यकता हो। भूल करके भी कभी किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका कदापि दुरुपयोग। यदि आपके रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, रिश्तों में कटुता बढ़ती जा रही है, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन इष्ट मित्र रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, किसी के भी संबंधों में मधुरता लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया सकता है। और वशीकरण के माध्यम से किसी को बस में करके उसकी तमाम बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं कि कोई बुरे लत का शिकार हो चुका है, बुरे संगत का शिकार हो चुका है, कोई नशा वगैरह कर रहा हो तो उसको अपने वशभूत करके हम उसके तमाम ऐप को उसे छुटकारा दिलाने के लिए भी वशीकरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा आग्रह करूंगा कि वशीकरण का प्रयोग भूल करके भी किसी को क्षति या हानि पहुंचाने की नीयत से कदापि न करें। और जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास का होना बहुत आवश्यकता है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं किसी भी चीज़ पर तो प्रयोग करने से कोई फायदा भी नहीं है। और यदि आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं और वशीकरण का प्रयोग करके थक गए हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। इसके लिए आप परेशान भी ना हो, हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है कि अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके आप प्रयोग करेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हर्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमसे संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। बहुत सारे काल आने के चलते सबका फोन उठ नहीं पाता है। आप लोग को भी नाराजगी अनुभव हो रहा होगा, इसलिए मैं पहले से आपसे समय इतना मांग लेता हूँ कि हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें। अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो और अगले का नाम, अगले का फोटो व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए उचित सलाह दूंगा। और आवश्यकता पड़े तो अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी करूँगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम चलेंगे आज के प्रयोग विधि पर। क्या करना है आपको? सुदर्शन की जल पुष्प नक्षत्र में ला करके दाहिने भुजा में आप बांध लीजिए, पुरुष है तो, और स्त्री है तो बाएं भुजा में बांध लीजिए, फिर देखिएगा चमत्कार।
सब लोग आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बंध जाएंगे या बंध जाएंगे। धन्यवाद। राम राम।